हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं उठ चुकी हूँ और मेरे जो दिन की शुरुआत है ये होगी पानी की बोतल के साथ में. और थोड़ी देर बाद में पीऊँगी, चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी. आप गुड़ डाल दे इसमें, चाय और डालो उसमें अभी इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर. पत्ती भी डाल दो, साथ में उबल जाएगी. मंगल और डाल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बस. बन गई है मेरी चाय जो बिल्कुल ही फीकी बनी है, ऊपर ऊपर तक फुल फुला के आ रही है. चाय को चाहिए कि मैं फटाफट फटाफट इसको पी लूं. कैसे उबल रही है. सिया राम जय जय राम सिया राम. थोड़ा 5 मिनट तो हम भी उबालेंगे इसको, ऐसे तो हम भी नहीं पियेंगे. और अब लेंगे बाबा का नाम लेते लेते चाय के मजे. थोड़ा सा गुड सिस्टर के लिए, थोड़ा सा गुड मेरे लिए. भगवान मंगल हारी शरत चिरचिहारी. राम सिया राम सिया राम जय जय राम. 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 ये कर लो मेरे बाबा के दर्शन. दिन का टाइम ये हमारे घर में मेरे बाबा के लिए बेल पत्ते का पौधा. कितनी छोटी 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 दिख रहे हैं ना घर यहाँ से. चलो चाय पी के आती हूँ. क्या क्या नहीं थे आपके पास में नौनी? पदाने. हाँ पदाने नहीं थे. क्या नहीं थे? पदाने. पदाने नहीं थे? पदाने नहीं थे. किच लिया है ये. नन्नू दाम दाते नन्नू दाम. नानी को फोन करूं? नानी ने बोला बेटा आपने कल देख तो लिए थे आपके कपड़े. हाँ. आपने कल देखे तो थे. ये मेरा नोनू है. मेरा नोनू बत्तलो. क्या बत्तलो प्लीज. थुद्दी हो. फोन से खुजली हो रही है. फोन से खुजली हो रही है. अभी मैं बना रही हूँ दाल मखनी और उसके बाद में मैं बनाऊंगी मेरी मूंग दाल. वैसे मैं ये भी खा सकती हूँ बट मैं प्रॉपर अपनी मूंग दाल ज़रूर बनाऊंगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट व्लॉग में कि मैं शहनाज गिल का डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, तो कंपलसरी मैं उसमें ना दिन के टाइम पे 2 रोटी के साथ में मूंग दाल लूँगी ही लूँगी 6 दिन तक. तो अभी ये मैं बना रही हूँ, मेरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, मेरे घर वालों के लिए बना रही हूँ. मैंने कढ़ाई रख दी है. ऑलवेज चिल्लाती ही रहती है. ये मैंने डाला है दाल मखनी के लिए तेल और ये पीस के रखा है
अदरक प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट। अभी हम डालेंगे इसमें जीरा, क्या सब कुछ रखा हुआ फिर भी चिल्लाती है इतनी जोर जोर से पिंजरे के अंदर? पानी लग देना बेटा, बाहर ही जाएगी ही नहीं, इसको लग जाएगी बाहर। हाँ ये जैसे हल्का सा थोड़ा फ्राई हो जाएगा मसाला, तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, हल्दी नहीं डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि ये हमारा गोलू खाएगा ना, इसलिए इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। थोड़ा डालूंगी नमक, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला, क्योंकि दाल मखनी बना रही हूँ और जो दाल मखनी रहती है वो थोड़ा उसका जो फ्लेवर रहता है वो थोड़ा स्वीट स्वीट जैसा फ्लेवर रहता है, तो मैंने इसमें मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी, मसालों को अच्छी तरह से भी पकने देंगे इसके साथ में, और फिर फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर। इसमें थोड़ा सा डालूंगी इलायची पाउडर, जस्ट फ्लेवर के लिए। कृष्णा इसको कुछ काजू दे दे, हाँ चिल्लाएगी नहीं है। अच्छी तरीके से जो ये सारे मेरे मसाले हैं ना, ये मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, एक हाथ से ही शूट कर लिया, एक हाथ से कैमरा है, और बाप रे बहुत ही भारी कुकर है। मसालों को साथ में मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सबसे जो इसकी ये रहती है इम्पोर्टेंट, जो इसकी चीज़ होती है वो है हमारी घर की मलाई, जो रहती है ना घर की मलाई, इसमें मिक्स करेंगे। बन चुकी है ये, अभी मैंने बनाई है अपने लिए। ये देखो गरम गरम मूंग दाल, इसमें से बिल्कुल धुआं निकल रहा है। सेम कल की तरह ही मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली है। और ये मैंने बनाई है गोभी, आलू गोभी की सब्जी, और एक ये मैंने घर पे ही जो तंदूरी रोटी रहती है ना, घर पे ही मैंने तवे पे बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आपको डालूंगी आगे, अगर आपको जैसे तंदूरी रोटी खाने का मन हो, अभी जैसे हमारा मुंबई है यहाँ पे तो कौन एक दो रोटी देने आएगा घर पर, तो मैंने घर पे ही तवे पे बनाई है ये तंदूरी रोटी, इसकी रेसिपी मैं आपको डालूंगी। तो अभी आज का जो ये मील है मैं ये इंजॉय कर रही हूँ, और एक चपाती मैंने और बोला है, जो हमारी हेल्पर है उसको बोला है एक चपाती और देने के लिए, तो आज मैं पूरे दिन में यही मील खाऊंगी मेरा। अभी मैं उठी हूँ, जस्ट खाना खाकर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा था नाक में अंदर की साइड से,
और मैं उठी और देखा, मैंने मतलब पर्दे तो बंद थे रूम के, तो अभी अभी देखा जस्ट बारिश हुई है हमारे यहाँ पर आज दिन में, और यहाँ से अभी व्यू इतना अच्छा लग रहा है, वो देख दूर से मेरी वीडियो में आप लोगों को समुंदर भी नज़र आएगा, ऑरेंज ऑरेंज जो बादल है ना उनके साथ में समुंदर भी नज़र आएगा, दूर है बट रियल में देखो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे सामने की बिल्डिंग कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे विंडो में बैठ जाओ और बैठे बैठे बस नीचे का बाहर का इधर उधर का देखते रह जाओ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। और आज मेरा जो ये है सेकंड डे है वो कंप्लीट, हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे से फॉलो हो मतलब हो रही है मुझसे। पहले एक दो दिन ऐसे जब हम कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं तो एक दो दिन ऐसे जाते हैं जिसमें हम लोगों को मतलब भूख लगती है, तो मुझे भी कल ऐसा शाम में भूख लग रही थी बट मैंने बहुत कंट्रोल किया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो 6 डेज़ तो मैं कंप्लीट करूँगी, मतलब 6 दिन तो मैं ये कंप्लीट करूँगी ये डाइट के, 6 दिन में देखती हूँ मुझे क्या असर आता है। अगर मुझे ये जो मैं डाइट कर रही हूँ मतलब नॉर्मली शहनाज गिल वाला जो मैंने वीडियो देखा था इसकी जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो अगर मुझे इस डाइट से फ़र्क आता है तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाऊँगी अपने डाइट के अंदर। मुंबई में ना मतलब खाना पीना आपको आसानी से मिल सकता है, आपको काम आसानी से मिल सकता है, बट मुंबई में जो ये घर है ना, घर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों के अपने खुद के घर हैं उन लोगों के लिए तो मतलब कोई टेंशन नहीं, बट जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को घर ढूंढना, रहना, मतलब सबसे बड़ी टेंशन मुंबई में घर की है। इतनी महंगाई है यहाँ पर एंड रेंट वगैरह इतना महंगा है, जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ना ये मतलब छोटे छोटे घर हैं, इनमें आप लगा लो कि जो रेंट चल रहा होगा ना 17,000-18,000 ओनली वन रूम का रेंट है। ये हमारे यहाँ पे जो बॉम्बे में लोखंड वाला बैक रोड है वहाँ पे ओल्ड महाड़ा पड़ता है, तो ये उसका एरिया है। आप देखोगे ना ये देखो छोटे छोटे मतलब आपको खुद ऊपर से दिख रहा होगा वन रूम सेट है यहाँ पर बने हुए, और वन रूम सेट का आप लगा लो 18,000-20,000 ऐसा रेंट है। और ये जो मेरे सामने की जो बिल्डिंग है सेम, अगर ये बिल्डिंग जैसे ये है 2 BHK, जैसे यहाँ पे 2 BHK रहता है, 2 बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम रहते हैं, 1 हॉल रहता है, किचन रहता है इसमें, और एक जैसे मतलब 2 बेडरूम में से एक मास्टर बेडरूम रहता है, वो मास्टर बेडरूम के अंदर ही हमारा वॉशरूम रहता है जैसे हमारे घर पे है। मैं अपने मतलब घर का रेंट भी बताऊँगी जहाँ पर मैं रहती हूँ, बट जो हमारे सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हो ना इसमें मिनिमम 55,000-60,000 का इसमें 2 रूम सेट का इसमें रेंट है। आप देख लो ये बिल्डिंग जो सामने की बिल्डिंग है, और सेम जितनी आपको आजू बाजू की बिल्डिंग दिख रही है ना इसमें कुछ वर्सोवा साइड की बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रेंट है 2 रूम सेट अगर लेने जाएंगे तो। बट ये मैं ओल्ड महाड़ा का बताने जा रही हूँ, ये सामने वाली जो ये सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वाली बिल्डिंग जहाँ पे मेरा फिंगर पॉइंट है, ये बिल्डिंग का रेंट कम से कम 55,000-60,000 रुपये दिल्ली में। तो मतलब अगर बंगलो भी रेंट पे लेने जाएंगे ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी इतना रेंट नहीं होगा, वहाँ पे भी 25,000-30,000 रुपये में बंगलो मिल जाएंगे, और 2 रूम सेट रेंट पे लेने जाएंगे तो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे 7,000-8,000 रुपये में अच्छे खासे 2 रूम सेट पूरा मिल जाता है। वहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर। ओ चलिए मैं भी जाती हूँ, अभी देखती हूँ थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी, सिस्टर बाहर गई हुई है, आएंगे तो मैं चाय का जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं वो वीडियो शूट करूंगी। क्या पूछ नोनी का चाय क्या पूछू? नीचे चलो फोन। हाँ कर लिया अभी आप जैसे विद्यमान नाले ने हमने चाय तो हमने तो चाय पी ली है बोलो। हमने तो चाय पी ली है, अभी नोनी चाय पी रहा है, ठीक है। हमने चाय से चाट तो खा रहा है बोलो।
अभी जो नोनू है ना वो चाय के साथ में टोस्ट खा रहा है, ठीक है। हाँ, अब मारो। अभी एक भी बटन दबाओ। दबा दिया, बंद कर दूं? बंद कर, ठीक है। ये टोस्ट गोलू ने छोड़ दिया है, एक टोस्ट है। चाय की चुस्की लेती हुई अभी मैं आई हूँ अपना मंदिर से, क्योंकि सैटरडे था और यहाँ पे हो रही है बारिश। अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये है हमारी चलती हुई मुंबई। और आज मेरा एक्चुअली दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने ये जो मेरी पानी वाली बॉटल है पीपा पिक वाली, इसके अंदर ही मैंने जो मेरे चिया सीड्स थे ना वो मैंने ये करके रख दिए थे। दिखाती हूँ कैसे। जो मेरे चिया सीड्स है ना, दिख रहा होगा आपको, मैं बहुत सारा पानी में पी भी चुकी हूँ इसमें से, आधा आने के बाद में, तो मैंने इसी में ही सोक करके रख दिए थे। तो यही मैं पीऊँगी पानी। एक्चुअली हम लोग को चिया सीड्स है ना अपनी रोज़ की डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये इसमें विटामिन सी, प्रोटीन, मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं। और बारिश के मज़े और मौसम के मज़े लिए जा रहे हैं साथ साथ पानी के। तो इसी के साथ में मैं मेरे ब्लॉग का एंड करती हूँ। एंड जो मेरा वेट है ना, मैंने अपना जो वेट था मैंने कल चेक किया था, तो अब मैं 6th डे, जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, 7th डे पे मैं अपना वेट चेक करूँगी कि 7th डे पे मेरा वेट कितना है, मुझे कितना इम्प्रूवमेंट मिला है इस डाइट से। तो रोज़ रोज़, क्योंकि कैसा रहता है ना, रोज़ रोज़ जब हम अपना वेट चेक करते हैं ना, तो थोड़ा अगर कम नहीं होता है वेट तो हम डोमिनेट होते हैं। तो मेरा पूरा वीक यही सोचने में चला जाएगा कि वेट लॉस नहीं हो, और जो मैं प्रोसेस से चल रही हूँ फिर उसमें भी मैं डोमिनेट हो जाऊँगी और माइंड में स्ट्रेस रहेगा। इसीलिए अगर आप लोग भी अगर जैसे डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई भी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डाइटिशियन बोलते हैं पहले उठो सुबह में और फिर अपना वेट चेक करो। तो अपना वेट अगर आप मतलब अच्छे तरीके से डाइट कर रहे हो तो आपको रोज़ रोज़ अपना वेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कैसा होता है ना, हमारा बॉडी का जो वाटर वेट रहता है ना वो भी हमारा बढ़ जाता है जब हम कभी ज़्यादा नमक ले लेते हैं। जैसे आप कोई भी डाइट कर रहे हैं, नाइट में अगर आप नमक का क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो वाटर बॉडी वेट जो रहता है ना, वो हमारा वो फ्लश आउट नहीं हो पाता है। इस वजह से आप मतलब जो भी आपका, एक तो नाइट के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पर, अगर आप इवनिंग के टाइम पे भी कुछ खा रहे हैं अपने डाइट के अंदर, तो इवनिंग के टाइम पर भी आप लोग ना नमक का जो क्वांटिटी रहता है ना वो बिल्कुल लेस कर दीजिए। एंड पूरे दिन में जो हम लोग नमक का क्वांटिटी लेते हैं ना वो 5 ग्राम जितना होना चाहिए। आप किसी भी मतलब ऐसा चेक कर सकते हैं, 5 ग्राम नेट पे कैसे भी चेक कर, 5 ग्राम सॉल्ट कितना होता है पूरे दिन में। ओनली एंड ओनली 5 ग्राम या 5 ग्राम से कम ही सॉल्ट का आप यूज़ करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा आएगा इस चीज़ से। तो मैं अभी मेरे जो ब्लॉग है उसका मैं एंड कर रही हूँ। तो बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।